हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमारा लिनियस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसका कहना ये था कि हमारा जो मेटल होता है और हमारा लिगेंड होता है, अब लिगेंड के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और मेटल के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल। लिगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। अब लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा और ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इनके बीच ओवरलैपिंग होगा। यही कहना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओवरलैपिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो क्लियर है, मेटल और लिगेंड के बीच ओवरलैपिंग होती है, ऐसा कहना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट है आपका, लिगेंड डोनेट देयर लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम वेयर मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और मेटल जो होता है वो प्रोवाइड करता है वैकेंट ऑर्बिटल। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितना वैकेंट ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा उतना सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आइए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये हमारा हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, ...12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल हो सकता है हमारा, ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, अगर बात करते हैं हम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगा। इसको हम बोलेंगे कॉमन, ये हमारे कॉमन होंगे। ओके, तो अगर एग्जाम टाइम में पूछेगा आपसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अब कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 और 6, तो 4 और 6 के बारे में ही मेनली बात करेंगे। अब वैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा, इसके बाद दिया है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और एग्जांपल्स। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर और इसका एग्जाम्पल हमने लिया है AgNH3 का ट्वाइस प्लस, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन एसपी है और ज्योमेट्री जो है वो है लीनियर। अब देखिए, ऐसे ही अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी का 2 होगा और ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी ये आपका, जो ज्योमेट्री आपका होगा ये होगा ट्रायंगुलर प्लेनर और ये आपका एग्जांपल है।
अब देखिए अगला, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, हम इसका फर्स्ट पढ़ते हैं ए पार्ट, तो एसपी का थ्री हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, और एग्जांपल हमारा ये है ZnNH3 का 4+2, मींस ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन एसपी का 3 है और ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल है। अभी मैं आपको इसके बारे में आगे काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ, अभी फिलहाल में हम इसकी समरी देख रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 स्क्वायर प्लेनर और एग्जांपल है PtCl4-2, मींस PtCl4-2 हमारा ये कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। अब अगर हम बात करते हैं डी सबसेल का, तो देखिए यह है हमारा डी सबसेल। अब इसके अंदर ये हमारे ऑर्बिटल हैं, तो डी में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको बोलेंगे डी एक्स वाई, इसको बोलेंगे डी वाई जेड, इसको बोलेंगे डी जेड एक्स, इसको हम बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको बोलेंगे डी का जेड स्क्वायर। अब जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे, उसमें अगर हमारा आ रहा हाइब्रिडाइजेशन DSP2, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो हमारा डी होगा ये होगा डी का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और इसका ए पार्ट हम देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन दिया है sp3d या DSP3। अब देखिए यहां पर ज्योमेट्री दी गई है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और ये हमारे एग्जांपल दिए हैं, मींस ये हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d या DSP3 हो सकता है और ज्योमेट्री इसका ट्राइगोनल डाइपिरामिडल है। अब यहां पर जो हमारा ये डी आ रहा है, यहां पर ये जो हमारा डी आ रहा मतलब यूज किया जा रहा, वो डी हमारा होगा डी का जेड स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो वहां पर जो हम डी यूज करते हैं वो डी का जेड स्क्वायर होगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में बी पार्ट की, हाइब्रिडाइजेशन दिया है DSP का 3, ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल और कॉम्प्लेक्स NiCN5-3। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन और ये ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन DSP3, और अगर हम बात करते हैं ये डी कौन सा यूज करेंगे, तो अगर स्क्वायर पिरामिडल होगा तो ये डी यूज होगा DX²-Y²। अभी अभी इससे पहले हमने पढ़ा है अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा तो ये डी यूज करेंगे हम डी का जेड स्क्वायर। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद अगला कोऑर्डिनेशन नंबर 6,
कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हम दो पार्ट पढ़ेंगे, ए एंड बी। अब जो हमारा ए पार्ट है तो ये हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 ऑक्टाहेड्रल, और हमारा एग्जांपल है CONH3 का 6+3, मींस हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब देखिए यहां पर जो हम डी के दो ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं वो दोनों हैं हमारे DX²-Y² एंड D का Z²। अब अगला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बी। अब हाइब्रिडाइजेशन दिया है SP3D2, ओके, और जो ये दो डी के डब्बे यूज कर रहे हैं हम, ये डी के डब्बे दो यूज कर रहे हैं वो है हमारा DX²-Y² एंड D का Z²। ज्योमेट्री है हमारा ऑक्टाहेड्रल और हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है, मींस ये कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 है, जहां डी के दो ऑर्बिटल हमारे हैं DX²-Y² D के Z², और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर मैं अभी आगे बताने वाला हूं। इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक मैं आपको इन जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी दे रहा था, तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं की पॉइंट की। देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड। अब कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री या मैग्नेटिक मोमेंट की, तो वो डिपेंड करेगा लिगेंड के नेचर के ऊपर। अब लिगेंड को एक्सपेरिमेंटली जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में। तो अब ये जो होते हैं हमारे यहाँ I- से लेकर H2O तक, ये हमारे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड है, और यहां से लेकर हमारे यहां तक ये है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये वीक फील्ड लिगेंड, यहां ये सबसे वीक होगा, इससे स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्ग, ये इससे स्ट्रॉन्ग, ये इससे स्ट्रॉन्ग, ये इससे स्ट्रॉन्ग, ये और इससे स्ट्रॉन्ग, ये हैं तो सब वीक ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा वीक है और वीक में ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो है हमारा इसके नीचे वाला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की सीरीज है, और ये कम स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसकी जो है ऑर्डर है। अब याद करने का तरीका देखिए, यहां याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं इसकी, I बाहर सानिया वीक फील्ड लिगेंड याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं कूल स्टाइल में, एस फॉर स्टाइल, तो कूल स्टाइल में, एफ से हो जाएगा फरदीन, ओएच माइनस से हो जाएगा और O2- से
ओबामा, सी टू ओ फोर टू माइनस, तो इसको चिढ़ते और एच टू ओ को हैं। तो ये याद करने का तरीका है, आई माइनस फॉर आई, बाहर सानिया, कूल स्टाइल में का मतलब कुछ नहीं, फरदीन और ओबामा चिढ़ते हैं, तो ये वीक फील्ड एजेंट याद करने का तरीका है। नाचते इडियट निकम्मे, नाचते इडियट निकम्मे, इनकी भी, ये बाईपीरियडल है, नहीं सुने कोई। क्लियर है यहां तक आपको कि इसको याद करने का तरीका इसका ये है, नाचते इडियट निकम में इनकी भी नहीं सुने कोई, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद करने का तरीका है। तो सबसे ज्यादा वीक ये होगा और सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये होगा, ये स्ट्रांग वाले हैं और ये वीक वाले हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कहिए या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी कहिए, बात एक ही है। ये जो है हमारा सबसे ज्यादा होगा कार्बन की, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज आसानी से डोनेट करेगा, जितना अच्छा देगा उतना ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड। इसके बाद फिर ये नाइट्रोजन, इससे कम, इससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम हैलोजन। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की अगर बात करते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन अच्छे डोनर होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इन दोनों के कंपेयर में कम होती है, इसीलिए अच्छे डोनर होते हैं और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह इन्हें ट्रीट करते हैं हम। अगर ऑक्सीजन या हैलोजन डोनर होते हैं तो वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो वो लेस डोनर होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है वो लेस होती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड, तो रेंज आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा, राइट। आइए हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के यूज की। तो ये हमारा डी ऑर्बिटल है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन की दो पॉसिबिलिटी बनती है, फर्स्ट d2sp का 3 और सेकेंड हमारा है sp का 3d2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन की दो पॉसिबिलिटी, d2sp3 एंड sp3d2। जो हमारा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और sp3d2 इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और क्या होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करते हैं। हमने एग्जांपल लिया K4Fe-CN6। अब देखिए, यहां पर जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और Fe का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 4s2 एंड 3d6। अब देखिए, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा प्लस का 2 होगा,
तो इसके आउटर मोस्ट सेल से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है, बाहर वाला सेल ये है, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये निकल जाएंगे। अब 4s के दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बचेगा कितना, इसमें जीरो बचेगा। अब देखिए ये हमारा हो गया आपका 3d, ये हो गया 3d, इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन आपके, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 4p, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 4p कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके बाद CN हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराता है, मतलब क्या है? तो अभी हम अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर पेयरिंग देख लेते हैं, लेकिन अगर इसकी पेयरिंग की बात करेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वहाँ पर क्लियर होगा कि पेयरिंग होती क्यों है और किस टाइप से होती है। तो यहाँ पर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इधर को पेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मेटल लिगेंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और मेटल जो होता है आपका वेकेंट आर्बिटल प्रोवाइड करता है, मेटल वेकेंट आर्बिटल प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल वेकेंट आर्बिटल प्रोवाइड करेगा कितना, 6। तो यहाँ पर हमें 6 आर्बिटल की ज़रूरत है वेकेंट, तो यहाँ पर ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो मेटल खाली डब्बा प्रोवाइड करेगा, वो कितने होंगे, 6, तो हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ ये डी के डब्बे कितने हैं, 2, तो D2। एस के डब्बे कितने हैं, तो 1, तो S, और पी के डब्बे कितने हैं, 3, तो इसको बोलेंगे D2SP3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2SP3। अब देखिए यहाँ पर 4p के बाद 4d भी होगा, 4p के बाद 4d भी होगा, ये आपका 4d है और ये आपका 3d है। अब इसमें हम बात करेंगे अगर, तो ये हमारा थर्ड सेल है और ये हमारा फोर्थ सेल है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, ऐसे बोल सकते हैं n=1, n=2, n=3, n=4। अब अगर ये फोर्थ सेल, अगर हम इसको मान लें nth सेल या बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल, तो इसके अंदर वाले सेल को हम बोलेंगे इनर सेल, इसके अंदर वाले, ये बिल्कुल बाहर वाला तो आउटर मोस्ट सेल और इसके अंदर वाले सेल हमारे कहलाएंगे इनर सेल। अब यहां पर ये फोर्थ सेल और ये थर्ड सेल, तो फोर्थ सेल तो ये आउटर हो गया और ये थर्ड सेल तो ये इनर हो गया। अब डी आर्बिटल के यूज की बात करते हैं, तो हमने थर्ड सेल के डी आर्बिटल का यूज किया है, तो हम बोलेंगे ये फोर्थ सेल है, ये थर्ड सेल है, ये थर्ड सेल है, तो ये अंदर वाला सेल है और अंदर वाले सेल के हम डी के आर्बिटल यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं अंदर को इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अंदर के
डी ऑर्बिटल यूज करेंगे तो बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं n-1d इज यूज्ड। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो हम उसमें n-1d यूज करेंगे। n-1 समझ रहे होंगे, अगर ये n है तो ये वाला हमारा सेल n-1 होगा, ये वाला n-2 होगा, ये वाला n-3 होगा। तो क्लियर है, ये अगर हमारा n होगा तो ये n-1 होगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए हमारा अगला एग्जांपल है K4Fe F6। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे Fe एटॉमिक नंबर 26 की, तो इसका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d6। अब यहाँ पर जो हमारा आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, और +2 तो ये हमारा थर्ड सेल है, ये हमारा फोर्थ सेल है, आउटर सेल है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया हमारा 3D का डब्बा ऑर्बिटल। अपनी जानकारी के लिए हम इसको डब्बा बोल सकते हैं, अपनी समझ के लिए बोल सकते हैं डब्बा इसको हम। तो 3D हो गया, ये हमारा 4s, इसके आगे हमारा ये हो गया 4p, और 4p के बाद ये हमारा हो गया 4d। अब देखिए यहां d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमारा जो ये F- लिगेंड है ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, और याद रखिएगा वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो आप कहेंगे सर क्यों पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी डीप में मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर है, हमारा F- ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा। अब पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेंगे, पेयर नहीं होंगे। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें खाली डब्बे कितने चाहिए, 6 चाहिए, डब्बे मतलब ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है तो ये यूज नहीं कर सकते हैं, तो खाली डब्बा यही है 1 2 3 4 5 6, डब्बे 6 चाहिए और हमें मिल चुका है। इसको बोलेंगे S, इसको बोलेंगे P3 और ये D2, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d2। अब देखिए ये थर्ड सेल का D, ये फोर्थ सेल का D, तो ये अंदर वाला जो थर्ड सेल है हमारा इनर सेल है, फोर्थ सेल हमारा आउटर सेल है। तो इनर सेल का D यूज नहीं कर रहे हम, आउटर सेल का D यूज कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल। तो जब आउटर मोस्ट सेल का हम डी ऑर्बिटल यूज करेंगे तो बाहर वाला बिल्कुल डी ले रहे हैं, अंदर वाला ले नहीं रहे। तो जब बाहर वाला लेंगे तो बाहर को बोलेंगे आउटर, और डी का डब्बा ले रहे हैं तो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो sp3d2 मतलब ये जो डी हमारा यूज हो रहा ये आउटर वाला, और d2sp3 तो जो ये डी हमारा यूज हो रहा वो अंदर वाला, अंदर वाला, और ये बाहर वाला, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए
यहां पर इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं nd इज यूज्ड, क्लियर है, n आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल, और यहां n-1 बोले थे तो अंदर वाला, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। देखिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं, यहां पे एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड पे बेस्ड। अब देखिए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, अगर हमारा लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, एग्जांपल के तौर पे हमने लिया CO CN- ETC, बहुत सारे हो सकते हैं, तो अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराएगा, तो हम बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब जब ये पेयरिंग कराएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर होंगे, और पेयर होंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वो घट जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट घटेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट तो घटेगा, यहां तक तो क्लियर है। और साथ में आपका ये कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अब देखिए अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं Cl- F- ETC, बहुत सारे हो सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं कराते हैं, पेयरिंग नहीं कराएंगे तो हम बोल सकते हैं इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल में देखा भी था F- वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पेयरिंग नहीं कराएगा, और जब पेयरिंग नहीं करा रहा था तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो हम बोल सकते हैं उसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पेयर नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा, और इसको हम बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया है, यह है NiCO4, यह हमारा कॉम्प्लेक्स है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d8, ये निकिल का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए यहां पर अगर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो होगा 0, तो यहां तक आपको क्लियर है। तो अब ये निकिल का 3D, ये हो गया आपका निकिल का 3D, ये हो गया 3D, ये हो गया 4S, और ये हो गया आपका 4P, ऐसे ही आगे जरूरत पड़ने पर 4D भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, S में
टू इलेक्ट्रॉन है तो वन और वन टू। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए सीओ जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? पेयरिंग कराना। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो यहां पर हम ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इसमें चलाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें चलाएगा। ओके, चला आया। अब यहां कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, तो खाली ऑर्बिटल कितने चाहिए? फोर। ऑर्बिटल कहो या अपनी समझ के लिए डब्बा कहो, कितना चाहिए? फोर। तो खाली डब्बा हमको फोर चाहिए, तो यहां मिल गया वन टू थ्री फोर। तो एस का एक डब्बा, पी का थ्री डब्बा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए, ये हमारा जिंक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 30। आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। अब जो जिंक है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है प्लस का 2। दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएगा, बचेगा कितना? इसमें जीरो। तो अब ये हमारा हो गया, थ्री डी। इसके बाद ये हमारा हो गया 4s, ये हमारा हो गया 4p। अब 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। फोर एस में इलेक्ट्रॉन 0, 4p में इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके बाद सब खाली होंगे। अब देखिए सीएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। अब यहां पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अगर होता तो पेयरिंग कराता, लेकिन है ही नहीं, तो यहां पर पेयरिंग जैसी कुछ बात करेंगे नहीं हम। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, तो खाली डब्बे कितने चाहिए? फोर। तो यहां पर वन डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा, कितने डब्बे मिल गए? फोर। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा, ये एस का एक डब्बा और पी का तीन डब्बा, sp3। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp का थ्री होगा, राइट? आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। यहां पर हमारा सेंट्रल एटम cu और यहां इसका एटॉमिक नंबर होगा 29। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, सबको पता है 4s1 और 3d10 ये होता है। अब यहां पर cu का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस का 2, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है आउटर मोस्ट सेल से निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा 0 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसमें बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आ रही होगी बात? तो देखिए ये हमारा डी, ये हमारा डी हो गया, इसको बोलेंगे हम 3d। इसके आगे हमारा होगा 4s, इसके आगे हमारा होगा 4p, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा हमको मिलेगा
4d। अब यहां d में हमारे 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वो पेयरिंग कराता है, तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड हैं और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि हैं पहले से ही, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जैसे वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है हमारा 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो डब्बे कितने चाहिए, खाली 4। तो खाली डब्बा अगर 4 यूज करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 यूज कर सकते थे, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp का 3 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp 3 नहीं होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। साइंटिस्टों ने यहाँ पर जब इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उस पे बेसिस इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाला था, वो निकाला था DSP2। अब देखिए क्यों DSP2, तो ये पाया गया कि ये जो इसका डी में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो है उसका होता है ट्रांसफर, और उसका ट्रांसफर जो होता है आपका वो हो जाता है इसमें। अब कहेंगे कि इसका ट्रांसफर इसी में क्यों होता है, इसमें क्यों नहीं होता है, तो देखिए यहां से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल कर उस इलेक्ट्रॉन का करेंगे ट्रांसफर, ये एक्सपेरिमेंटल है, जब उसका हम ट्रांसफर करेंगे तो हमको डब्बे चाहिए 4, तो 1 2 3 4 मींस जितने डब्बे चाहिए उतना डब्बा छोड़कर इलेक्ट्रॉन जो है अगले ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो हमको डब्बे चाहिए 4, तो 1 2 3 4 हमको 4 डब्बा मिल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अब अगले डब्बे में होगा। अगला डब्बा कौन होगा 4 के बाद, 1 2 3 4 4 के बाद यही डब्बा हमारा अगला डब्बा होगा, ये हमारा इसके बाद वाले डब्बे हैं, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा DSP2, तो इस कॉम्प्लेक्स का DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है कि CuNH3 का होल 4+2 इसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन 1 अनपेयर्ड होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाता है, 4p के या 4d के, ओके पी के या डी के ऐसे भी पूछता है, तो हम बोलेंगे पी के ऑर्बिटल में जाता है। अब मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंडीशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है 4 और आपके डी में है 9 इलेक्ट्रॉन और साथ में हो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ओके 3 कंडीशन होने चाहिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो उसके डी में 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और साथ में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ओके अगर ये तीनों चीज एक साथ है तो फिर हम बोलेंगे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेट
ट्रांसफर्ड, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब बात रही इलेक्ट्रॉन का, जब ट्रांसफर होगा तो वो किस ऑर्बिटल में जाएगा, पी के डी के किस में जाएगा। तो याद रखिएगा जितना डब्बा चाहिए उतना डब्बा ले लो, ठीक है, उसके बाद जो बचा डब्बा होगा अगला उसमें जाएगा, क्लियर है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की। हमारे अगले एग्जांपल जो हैं फोर कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और यहां पर इनका हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है निकालने से पहले हम यहां पर एक की पॉइंट देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा स्पेशल भी है कोऑर्डिनेशन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स चैप्टर के व्यू से। अब देखिए की पॉइंट कह रहा इफ सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग टू 3D सीरीज, तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं 3D सीरीज ये होता है स्कैडियम एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। इसके नीचे हमारा होता है 4D सीरीज, ये होता है इरिथियम टू, आपका होता है इरिथियम टू कैडमियम CD 39 टू 48। और इसके बाद होता है 5D सीरीज और इसकी स्टार्टिंग होती है लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 टू HG एटॉमिक नंबर 30। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से मैंने रिपीट किया यहां पे। तो देखिए की पॉइंट में कह रहा कि इफ सेंट्रल मेटल एटम बिलोंग टू 3D सीरीज, अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है, तो स्कैडियम टू जिंक अगर हमारे सेंट्रल मेटल एटम है, कहने का मतलब ये, देन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज कंसीडर्ड, तो हम लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो चेक करेंगे। ओके, अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराएंगे और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्लियर। तो स्कैडियम टू जिंक अगर सेंट्रल मेटल एटम होगा, कहने का मतलब अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो उस केस में हम स्ट्रेंथ लिगेंड की चेक करेंगे। बट इफ इट बिलोंग टू 4D / 5D, लेकिन अगर हमारा 4D या 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया भी है, ऑलवेज पेयरिंग टेक प्लेस, तो हम पेयरिंग कराएंगे इफ पॉसिबल, अगर पेयरिंग पॉसिबल है तो, इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना ख्याल किए हुए टू द लिगेंड। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कह रहा कि अगर 4D या 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम होगा तो अगर पेयरिंग पॉसिबल है तो करा दो, लिगेंड की स्ट्रेंथ हमें चेक नहीं करनी है। लिगेंड की स्ट्रेंथ चेक किस में करनी है, ओनली 3D सीरीज में करनी है। तो आइए ये है हमारा PT PT PD PD, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम है। तो हमको पता है PD जो होता है हमारा 4D सीरीज का और PT जो होता है हमारा 5D सीरीज का, तो क्लियर है 4D और 5D सीरीज के सेंट्रल मेटल एटम है। तो लिगेंड हमारा चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक, इसकी स्ट्रेंथ हमें चेक नहीं करनी है, अगर पेयरिंग पॉसिबल है तो करा देनी है। तो एक हम यहां से ले लेते हैं, हमने एग्जांपल के तौर पर लिया PT, PT का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा प्लस का 2, ओके, और PT का ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक नंबर होता है 78, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2। PT का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा 6s1
5d9, एक्सेप्शनल होता है ये। अब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकल जाएगा तो इसमें बचेगा हमारा 0, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से निकल जाएगा तो इसमें बचेगा 8। अब देखिए जो पीटी है इसका, ये हमारा डब्बा हो गया, ये पीटी का ये हमारा डब्बा हो गया, ये 5d वाला डब्बा हो गया 5d, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 6s में हमारे 0 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही 6p में हमारे 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां पर Cl है तो लिगेंड की स्ट्रेंथ हमें चेक ही नहीं करनी है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और सीधा यहां पेयर करा देंगे। जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कराया तो बताइए हमें डब्बा कितना चाहिए, 4। तो क्या यहां पे डब्बा में 4 मिल रहा? हाँ मिल रहा, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ 4 अगर डब्बे मिल रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DSP2। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही ये भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगा, इसका भी DSP2 होगा, इसका भी DSP2 होगा। तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगा, इसका भी DSP2 होगा, आप निकाल के देख लेना, इसका भी DSP2 होगा, इसका भी DSP2 होगा। ओके, आप ट्राई करोगे तो आपका आंसर यही मिलेगा, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो की पॉइंट हमने बताया ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसे हमेशा ध्यान में रखना, कोई क्वेश्चन जो है आपका वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो क्लियर है आपको यहां तक? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें हमारा क्रोमियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है। ये हमारा क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, 4s1 3d 5। अब देखिए ये जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 यहाँ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो 4s में बचेगा 0, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो 3d में बचेगा 3। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 3d, ये हो गया हमारा 4s, ये हमारा हो गया 4p, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो 4d भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब d में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 3 इलेक्ट्रॉन है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 0। अब इसके आगे वाला सब खाली होगा। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हमें खाली डब्बे कितने चाहिए? 6। तो 1 2 3 4 5 6। आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तो ये पेयरिंग कराएगा आप जैसा कि बताए हैं, तो यहाँ पर पेयरिंग होना चाहिए। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो या तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 होगा या तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा, दो पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, अब कुल मिलाकर हमें D के दो ही डब्बे तो यूज करने हैं, और जब D के दो डब्बे यूज करने हैं तो हमें दो डब्बे यहाँ आसानी से मिल रहा, और जब हमको D के दो डब्बे मिल रहा तो हम अननेसेसरी पेयरिंग नहीं कराएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि आसानी से D के दो डब्बे हमें मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर D2
और ये हो गया एस और ये हो गया पी थ्री। अब इसके बाद ऐसे ही अगला केस है हमारा, कॉम्प्लेक्स दिया है, यहां पर है आपका टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 22, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d2। अब यहां पर प्लस का 2, तो यहां आपका प्लस का 2, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसमें बचेगा आपका 0 और इसमें बचेगा 2। अब देखिए ये हमारा 3d, इसके बाद ये हमारा 4s और ये हमारा हो गया 4p। डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 1 और 1, 2। अब देखिए अगर यहां पर हम बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6, तो डब्बे कितने चाहिए हमें, खाली 6 चाहिए, ठीक। अब 6 डब्बे चाहिए हमें, तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ले ले, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो या तो d2sp3 होगा या तो sp3d2 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, और डी के जो डब्बे यूज करने हैं वो दो ही यूज करने हैं, ठीक। वो डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के ऊपर, ओके। अगर इनर होगा तो अंदर वाला और बाहर होगा तो सॉरी आउटर होगा तो बाहर वाला, ओके। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो डब्बे खाली चाहिए 6, जिसमें हमें डी के डब्बे कितने चाहिए, 2, तो 2 डब्बे हमने ले लिया। अब बाकी अगर डी में खाली है तो रहने दो, ठीक। तो यहां पर डी के 2 डब्बे, तो d2, एस के 1 डब्बे, तो एस, अब पी के 3 डब्बे, तो ये हो गया d2sp3, क्लियर। अब देखिए अगला एग्जांपल, हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका। ये है हमारा MN, एटॉमिक नंबर 25, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। अब जो हमारा MN सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर प्लस का 3 होगा, और प्लस का 3 होगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 0, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बचेगा डी में 4। तो ये हमारा है आपका थ्री डी, और ये है 4s, और ये है आपका 4p। अब 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 में कितने हैं, 4s में तो 0 और 4p में तो 0 हो गए। अब cn क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या कराएगा, पेयरिंग, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला और इधर आकर पेयर हो गया, तो ये यहां से निकला और इधर आकर पेयर हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, डब्बे कितने चाहिए हमें, 6 खाली डब्बे चाहिए, इसमें से डी के डब्बे कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। तो बताइए जब ये इलेक्ट्रॉन हमने उठाकर यहां से इधर को पेयर कराया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने की वजह से, तो क्या हमको डी के 2 खाली डब्बे मिल रहे हैं, तो हाँ मिल रहे हैं। तो ये हो गया d2, ये हो गया s और ये हो गया p3, d2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने पेयरिंग कराया तो हमारा पर्पज तुरंत पूरा हो गया, तो फिर फालतू की पेयरिंग नहीं कराएंगे, ठीक है ना। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन हमने पेयर कराया तो हमको डी के 2 डब्बे खाली
चाहिए थे और जो कि मिल गए, तो फिर इसको अननेसेसरी पेयर नहीं कराएंगे। क्लियर है? अब अगला हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा, तो यहां पर निकल एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। अब यहां पर एनआई का प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो इसमें बचेगा हमारा 0। अब ये हो जाएगा हमारा 3d, ये हो जाएगा हमारा इसके आगे 4s और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4p, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम ले सकते हैं 4d। अब देखिए डी में जो 3 का डी है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो डब्बे खाली कितने चाहिए? 6 चाहिए। अब NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, तो माना कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर पेयर हो गया। तो अब हमें डब्बे कितने चाहिए? खाली 6। तो जैसा कि मैंने कंडीशन बताया है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है तो पॉसिबिलिटी 2 बनेगी, या तो sp का 3d2 या तो d2 का sp3, यही 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो जो दोनों पॉसिबिलिटी हैं उसमें डी के डब्बे कितना यूज कर रहे हैं? 2 ही यूज कर रहे हैं। तो जब हमने यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर किया है तो बताइए हमको डी के 2 डब्बे मिल रहे हैं कि 1 मिल रहा? चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो डी के डब्बे मिलने कितने चाहिए हमको? तो 2 चाहिए। 2 चाहिए तो हमारा पर्पज पूरा हो जाएगा, लेकिन यहां पर मिल कितना रहा? 1, तो हमारा पर्पज पूरा नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, अगर पेयरिंग कराने के बाद भी हमारा पर्पज पूरा ना हो तो फिर हम पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो यहां पर पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि पेयरिंग कराएंगे तो भी हमको डब्बा 1 ही मिल रहा, डब्बा चाहिए हमें 2, तो हमारा पर्पज पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो अब मजबूरी है, बाहर का डब्बा यूज करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, राइट? अब देखिए हमारा अगला कॉम्प्लेक्स दिया है और इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है फाइंड आउट करना है। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7। अब यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे तो इसमें बचेगा 0 इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारा 7 है। तो यहां पर ये हो गया हमारा 3d। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा 4s, ये हमारा हो गया 4p, और रिक्वायरमेंट अगर होगी तो हम यूज कर सकते हैं 4d। अब d में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कराएगा क्या? पेयरिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इधर आकर पेयर हो गया, तो पेयर हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो
हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी दो, या तो D2SP3 या SP3 D2, कुल मिलाकर डब्बे D के कितने चाहिए? दो। क्या हमको अंदर D का दो डब्बा मिल रहा खाली? नहीं मिल रहा, एक ही मिल रहा है। अब जब एक ही मिल रहा तो आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही मिल रहा है तो हमारा पर्पज पूरा तो हो नहीं पा रहा, तो हमें बाहर का डब्बा यूज करना चाहिए। बात तो सही है आपकी, लेकिन याद रखना ये भी हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंटल, बेस्ड है, और यहां पर भी होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब ये जो हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला जो, इसका ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर का तरीका हमने आपको बता रखा है कि जितने डब्बे चाहिए उतने डब्बे छोड़कर इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दो। तो डब्बे खाली चाहिए कितने? छह। तो इस इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालो, निकाल लिया। डब्बे खाली कितने चाहिए? छह। तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, तो खाली डब्बा डी का ले लिया सिक्स। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? अगले डब्बे में चला जाएगा। अगला डब्बा हमारा कौन होगा? फोर डी का, इसमें चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तरीका बता दिया करने का, ठीक। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देंगे, तो हमें डिब्बे डी के खाली दो अंदर वाले मिल जाएंगे, तो हमारा पर्पज पूरा हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका D2SP3। ओके, एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हमारा, तो इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिटल में जा रहा, पी या डी? तो आप कहेंगे डी। अब देखिए कंडीशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की, जैसा कि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में कंडीशन मैंने बताया था, डी में नाइन इलेक्ट्रॉन हो और साथ में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो वो तो कंडीशन आपको पता हो गया। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है और इसमें हम बात करते इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की, तो कंडीशन क्या होगी? तो वो मैं कंडीशन आपको यहां बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, साथ में है डी में सेवन इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ओके, तो यहां होगा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने जब क्वेश्चन होगा तो आप अचानक से कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमें क्या क्या आपने बता दिया, ठीक है यहां पर जो है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की दो कंडीशन, पहला कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए जो कि क्लियर है, और दूसरा कंडीशन मैंने बताया है, दूसरा कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए जो कि आपको क्लियर हो चुका है। तो यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट, जे एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है हमारे वो सही हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ उस टाइप की अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हमने यहां पर जो है एक और इसी का एग्जांपल ले रखा है। अगर ये हमारा है CONH3 का 6+2, ये कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन मतलब इससे अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर प्लस का थ्री हो जाएगा, और जब यहां प्लस का थ्री होगा तो यहां पर कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 4s2 3d7, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन तो जीरो, चूंकि कोबाल्ट पर प्लस थ्री आएगा,
और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो डी में बचेगा कितना, सिक्स। और जब डी में सिक्स बचेगा तो हमारा ये हो जाएगा 3D, ये है हमारा 4s और ये है हमारा 4p। अब d में 6 तो 1 2 3 4 5 6, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन पेयरिंग कराएगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर को और ये इलेक्ट्रॉन इधर को पेयर हो जाएगा। अब जो है डब्बे खाली कितने चाहिए, 6, तो यहाँ पे हमें अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 हो जाएगा। तो क्लियर है, अगर इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन कर दें तो भी हमारा पर्पज पूरा हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 हो जाएगा। और अगर इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दें तो भी हमारा पर्पज पूरा हो जाएगा, राइट। अब देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसा कि फर्स्ट CO+3 कोबाल्ट सेंट्रल मेटलिटम और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस का 3 होगा और वो कंबाइंड होगा H2O लिगेंड से या ऑक्सीलेटो लिगेंड से, एक्वा या ऑक्सीलेटो, H2O को बोलते हैं एक्वा और ये ऑक्सीलेटो, तो ये वैसे तो दोनों वीक फील्ड लिगेंड होते हैं लेकिन CO3+ के साथ अगर आएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड होते हैं बट CO3+ के साथ अगर जुड़ेंगे तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। अब देखिए अगला है की पॉइंट NH3, वैसे तो हमारा NH3 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है लेकिन Fe2+ या Mn2+ इन दो सेंट्रल मेटल के साथ अगर आएगा, Fe2+ या Mn2+ के साथ अगर ये NH3 कंबाइंड होगा तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा। अगला पॉइंट F- इज वीक फील्ड लिगेंड, हाँ हमें पता है जो F- है वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, बट F- अगर हमारा Ni4+ के साथ कंबाइंड होगा तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब देखिए मैं आपको स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमारा डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ओके, साथ में चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा D2SP3। बट अगर हमारा डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, साथ में हमारा हाइब्रिडाइज, यहां पर चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, तो इस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक, sp3d2। ये मैं ट्रिक बता रहा आपको जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब देखिए इन दोनों केसेस में नो लो स्पिन नो हाई स्पिन, इन दोनों केसेस में अगर डी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो या 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो मैंने कंडीशन बता दिया है कि इस केस में D2SP3 चाहे स्ट्रांग चाहे वीक, और इस केस में चाहे स्ट्रांग चाहे वीक SP3D2, और नो लो स्पिन नो हाई स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन की कोई बात हम नहीं करेंगे, ठीक, इस कंडीशन में।
बट अगर हमारे डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 6 इलेक्ट्रॉन हो या डी में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो याद रखिएगा अगर इसके साथ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2SP3, और अगर इनके साथ वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D2, और अगर इनके साथ स्ट्रांग होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, और स्ट्रांग होगा तो पेयर कराएगा, और पेयर कराएगा तो यहां पर हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इनके साथ वीक होगा तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा, और पेयरिंग नहीं कराएगा तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल जब ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए ये हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिया है और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं Fe का, तो Fe एटॉमिक नंबर 26, और इसका जो है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d6 होता है। अगर यहां पर Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था NO जो होता है, NO वो अगर CO के साथ आएगा तो न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और CO को छोड़ के बाकी अदर लिगेंड के साथ आएगा तो वो हमारा पॉजिटिव लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा NO H2O के साथ आया है तो NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो यहाँ पर जो होगा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। जब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा तो होगा क्या, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 1। अब देखिए ये हो गया आपका थ्री डी, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 4p, और ऐसे ही इसके आगे ये हमारा हो गया 4d। अब देखिए d में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4p खाली और 4d तो खाली रहेगा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो NO जो होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, और यहां पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो NO, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, ये पेयर कराएगा। ये भी आपका काफी ज्यादा स्पेशल केस है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करा देगा, पेयर करा देगा। अब बाकी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला ओनली यही पेयर होगा, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सर जो है यहां पर डी में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 4 और 3 7, तो आप तो सर बताए थे कंडीशन कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है जो कि यहाँ पे है, और डी में 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर अब हमको दिखाई पड़ रहा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से हो चुका है, और साथ में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो सर NO स्ट्रांग फील्ड लिगेंड भी है यहाँ पर एक, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होने की बात हो सकती है। तो याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंटल है और ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की कोई हम बात नहीं करेंगे,
क्योंकि वीक फील्डिंग एंड H2O बहुत ज्यादा हैं, 5 times है। तो यहां पर हमको जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां दिया है वो है 6। डब्बे कितने चाहिए खाली? 6 चाहिए। तो यहां अंदर कोई डब्बा खाली है नहीं, तो बाहर के डब्बे लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे हैं कितना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा है यहाँ पर 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर फार्मूला हम यूज कर सकते हैं √n(n+2)। तो n की वैल्यू जो है हमारी 3 है, और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 3+2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और 2, 5, 5, 3 = 15। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड नॉट डिफाइंड। बात तो सही है, वीबीटी ने लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए थे। कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं H2O और ऑक्सलेटो की, तो ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन CO3+ के साथ जब कंबाइंड होते हैं तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। वहीं हमारा अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन अगर वो कंबाइंड होता हमारा Fe2+ या Mn2+ के साथ तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगा था। वहीं हमारा F- जो है वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन Ni+4 के साथ कंबाइंड हो रहा था तो हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगा था। तो क्लियर कट स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड नॉट डिफाइंड। इसके बाद इसका सेकेंड है कुड नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपरली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली। तो जब हम लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है प्रॉपरली जो है उन्होंने बताया ही नहीं था, तो कभी कोई स्ट्रांग वीक की तरह बिहेव करने लगा था और कोई वीक जो है वो स्ट्रांग की तरह बिहेव करने लगा था। तो यहाँ पर क्लियर कट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये ड्रॉबैक है। और इसी के साथ हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके।